हेलो दोस्तों, तो आज की ज्योग्राफी के प्री क्योर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आपकी स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी। बहुत ही डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, बट यस, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड होगी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से, ठीक है। और पॉलिसी क्या है कि आप जो स्क्रैप स्टील है, जो अब यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा स्टील जो अपने एंड ऑफ लाइफ पे पहुंच चुका है, उसको आप रिसाइकल करने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, की फीचर्स क्या है? स्टील सेक्टर में कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी यूज़ की जा रही है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? अगेन, रिसाइकल रीयूज़, है ना। कि मान लीजिए कोई अगर चीज़ है जो अपने एंड ऑफ लाइफ पे पहुंच चुकी है, तो उसको दोबारा से यूज़ किया जा सके, इनटू द इकोनॉमी डाला जा सके, दैट इज सॉर्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, सिंपल शब्दों में, ठीक है। टेक्निकली मे भी आप इसको इकोनॉमी में यूज़ करें, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जो आपके एंड ऑफ लाइफ चीज़ें हैं, राइट, उनको यूज़ करके आप दोबारा स्टील को यूज़ करोगे। इससे क्या होगा, आपकी जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। इसमें एक और चीज़ क्या है, इसमें एक स्पेशल फीचर है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे? कि वो ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिससे कहीं ना कहीं जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं उसकी रिसाइकलेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाए। तो इस तरह के मैन्युफैक्चर चीज़ें होंगी कि एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ उसको दोबारा रिसाइकल किया जाए। तो इससे प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी कि आप ऐसी चीज़ें बनाइए जिनको आप रिसाइकल कर सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में ऑब्वियसली मेटल स्क्रैपिंग सेंटर्स भी एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका एक और फीचर क्या है, हब एंड स्कोप मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? हब क्या होता है, बिल्कुल एक सेंट्रल लोकेशन बना दी जाती है एंड ऑल द एक्सटेंशंस कैन कॉन्टैक्ट देयर, ठीक है। तो क्लाइंट को बेसिकली एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया जाएगा कि आप उसके हिसाब से आगे काम कीजिए, ठीक है। इसका एक और एजेंडा क्या है कि एनवायरनमेंट पे भी फोकस होगा। कैसे? ऑब्वियसली आप एंड ऑफ लाइफ पे जो चीज़ है, ख़त्म होने वाली चीज़ को दोबारा रिसाइकल कर रहे हैं, दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तो 6 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको रीयूज़ करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रीडिज़ाइन करेंगे, रीमैन्युफैक्चर करेंगे, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे भी फोकस होगा एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली एनवायरनमेंट पे फोकस होगा तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी कम होंगे, ठीक है जी। सिंपल था। तो कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी वेस्ट है, स्टील या फिर रेजिड्यूज हैं, उनको कहीं ना कहीं और दोबारा से यूज़ किया जा सके, ठीक है। बट अब दिक्कत कहाँ आती है, कहीं ना कहीं ये जो वेस्ट चीज़ें हैं ये हजार्डस भी हो सकती हैं। तो कोशिश की जाएगी कि इन कंप्लायंस रहा जाए हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स से, राइट, कि ताकि ये चीज़ें हजार्डस ना हों आपके लिए, ठीक है जी। सिंपल था। चलो अगला है काला पानी टेरिटरी। काला पानी टेरिटरी जो है, अगर आप इसको ध्यान दो, कहीं यहाँ आती है। सो दिस इज़ नेपाल एंड दिस इज़ उत्तराखंड, ठीक है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में कहीं ना कहीं ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। ये बेसिकली काला पानी रिवर से एसोसिएटेड है, जो इन टर्न इज एसोसिएटेड विद योर काली रिवर। तो आप जब फिजियोग्राफी वाले चैप्टर्स पढ़ते हो रिवर सिस्टम, आप वहाँ पे काली रिवर के बारे में पढ़ते हो, ठीक है जी। सिंपल था। और कहीं ना कहीं ये इंडिया का जो रूट है कैलाश मानसरोवर तक, उससे भी एसोसिएटेड है। वैसे इस पे फारफेच क्वेश्चन नहीं आ सकता, या तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस किस के बीच का डिस्प्यूट है, या आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है, ठीक है जी। चलो अगला करते हैं क्वाड कंट्रीज, जो तो हमने कई बार किया हुआ है, ठीक है। क्वाड कंट्रीज 4 कौन सी हैं? US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इनिशियली शुरू कब हुआ था ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप है? 2007 में, ठीक है। बट देन अगेन इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया ने इससे विड्रॉ कर लिया था, बट अगेन 2017 के आसियान समिट में पूरा का पूरा ये जो क्वाड्रिलेटरल अलायंस है ये रिवाइव हो चुका है। तो देखो आस्क यू कि कौन कौन सी कंट्रीज इससे एसोसिएटेड हैं, किसने विड्रॉ कर लिया था एंड अगेन कब ये दोबारा से रिवाइव हुआ, दैट इज ऑल, ठीक है। चलो एक है आपका नासा का वोएजर 2 स्पेसक्राफ्ट। तो बेसिकली एक नासा का वोएजर प्रोग्राम है, राइट, जिसमें तो दो आपके रोबोटिक प्रोब्स हैं, वोएजर 1 एंड वोएजर 2, जिनका बेसिक एजेंडा आज क्या है, टू स्टडी द आउटर सोलर सिस्टम। लेकिन जो वोएजर 2 था ये इनिशियली 1977 में लॉन्च हुआ था। एजेंडा क्या था इसका? आउटर प्लैनेट्स को आप
जो आपके आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, याद है आपको, पहले चार आपके इनर प्लैनेट्स होते हैं, अगले चार आउटर प्लैनेट्स होते हैं, तो उस समय बोला गया था कि ये आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करेगा। तो इसका जो प्राइमरी मिशन था उस समय पे, ठीक है, इन्होंने बोला कि हम आउटर प्लैनेट को स्टडी कराएंगे, बट इवेंचुअली जब ये काम खत्म हो गया उसके बाद भी इसका मिशन एक्सटेंड कर दिया गया, और आज भी ये जो है आपकी आउटर रीचेस जो है सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम के जो आउटर रीजन्स हैं उनको आज भी स्टडी कर रहा है। इट इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद नासा का डीप स्पेस नेटवर्क। ठीक है, तो पहले क्या था, एजेंडा था कि आप सिर्फ आउटर प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं एक्सटेंड कर देते हैं, राइट, एंड आउटर रीचेस ऑफ द सोलर सिस्टम को आप रीड कीजिए। ठीक है जी, चलो, एक साइक्लोन बुलबुल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। कौन से रीजन से एसोसिएटेड है ये? बे ऑफ बंगाल से। और जैसा कि मैंने कई बार आपको डिस्कस भी किया हुआ है कई प्रीक्योर्स में कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, तो दिस साइक्लोन हैज़ बीन नेम्ड बाय पाकिस्तान। अच्छा, इस पर्टिकुलर साइक्लोन के लिए ना IMD ने ऑरेंज अलर्ट इशू किया, तो एक तो सवाल यहीं पर आपका आ गया कि अलर्ट्स कौन इशू करता है? IMD। ठीक है, अब कलर कोडिंग क्या है उस पर पहुंचते हैं। उससे पहले कोई भी साइक्लोन होगा तो चार स्टेजेस ऑफ वार्निंग्स होती हैं। जो 72 आवर्स इन एडवांस वार्निंग आती है उसको आप बोलते हो प्री साइक्लोन वॉच। जो 48 आवर्स पहले वार्निंग आती है उसको आप बोलते हो साइक्लोन अलर्ट, सेकंड स्टेज ऑफ वार्निंग। थर्ड स्टेज ऑफ वार्निंग 24 घंटा पहले आती है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन वार्निंग। एंड 12 घंटे इन एडवांस में जो वार्निंग आती है दैट इज कॉल्ड पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। तो घंटे भी पूछ सकते हैं आपसे और सीक्वेंस में अरेंज करने को भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड एज फार एज द कलर इज कंसर्न, साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वार्निंग, पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, तीनों को कलर कोड किया हुआ है। आप चाहें तो ये कलर कोड्स याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका फेनी रिवर। फेनी रिवर जो है ये बांग्लादेश से एसोसिएटेड रिवर है। बेसिकली 58 में जब बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसकी शेयरिंग ऑफ वाटर पे क्वेश्चन था कि कितना वाटर कहाँ कौन शेयर करेगा। एंड आज भी जब वो रीजन पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश है, तब भी इस पे कोई वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट नहीं हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर दी है। ठीक है, चलो, ब्रूज ऑफ मेजू है ना, ट्राइबल जो है इनको रियांग भी कहते हैं। ठीक है, और मिजोरम में इन्हें ब्रूज कहते हैं। तो ये त्रिपुरा का बेसिकली 21 शेड्यूल ट्राइब्स हैं, लेकिन ये मिजोरम और आसाम में भी पाई जाती हैं। तो कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्रूज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और आपको इन तीनों में से कोई एक स्टेट पता होती है, सो आप गलत कर देते हो ओनली वन ओनली टू करके। तो याद रखना तीनों स्टेट्स एसोसिएटेड है ये। ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज वेस्ट लैंड एटलस। जितना भी आपका वेस्ट लैंड है उससे एसोसिएटेड लेटेस्ट एडिशन इस एटलस का 2011 में आया है। कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जितना भी इसमें डेटा आता है ये नेशनल रिमोट सेंसिक सेंटर कलेक्ट करता है, राइट, एंड इसको पब्लिश कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो इससे पहले चार एडिशन आ चुके हैं एंड द लेटेस्ट वन इज 2011 एडिशन जो कि न्यूज़ में था। कुछ की फाइंडिंग्स मैंने यहाँ दी हुई हैं, इस ये दिस इज ओनली डेटा, तो इस डेटा को आप अपने एंड पे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो, नाविक आपको पता है, नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो बेसिकली ये रियल टाइम पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज है, जैसे होते हैं ट्रैक करना है किसी को, तो किसी भी चीज़ को, है ना, अगेन आप उसको एक्चुअल टाइम उसका पोजिशन कर सकते हो, रियल टाइम डेटा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट बेसिकली। और इंडिया के ऊपर तो करता ही करता है, प्लस एक्सटेंड्स टू 1500 किलोमीटर अराउंड इंडिया। ठीक है, इसमें तीन तरह की सैटेलाइट्स हैं, रादर जो टोटल सैटेलाइट्स हैं, सात सैटेलाइट्स का सिस्टम है, तीन GEO ऑर्बिट में है और चार GSO ऑर्बिट में। तो यू विल गो बैक एंड सी कि व्हाट इज अ GEO ऑर्बिट एंड और व्हाट इज अ GSO ऑर्बिट। मे बी साइंस में वी कैन मेक अ वीडियो फॉर यू इसके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, लास्ट है आपका नेशनल वाटरवेज न्यूज़ में रहा था, क्योंकि रिसेंटली फर्स्ट मूवमेंट ऑफ कार्गो ऑन ब्रह्मपुत्र हैज़ बिकन। ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे 2 से एसोसिएटेड है। तो मैंने पूरी लिस्ट ऑफ नेशनल वाटरवेज दे दी है। इंडिया में टोटल 111 ऑफिशियली नोटिफाइड इनलैंड नेशनल वाटरवेज हैं। पहले 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, दिस इज़ अंडर एन एक्ट जिसके बारे में पता नहीं होता, विच इज़ योर नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। सो एक्ट के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी, सिंपल था। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको इसके PDFs डाउनलोड करने हैं, आप sleepyclasses.com पे जाएंगे,
वहाँ पे आपको कंपाइलेशंस का सेक्शन मिलेगा, कंपाइलेशन सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको किसी भी फैकल्टी से बात करनी है, कोई आपको प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं, यू कैन ऑलवेज कॉल अस एट 6280133177। तो कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव यहाँ पे रहेगा हु विल आंसर योर क्वेरीज, ठीक है जी। सो या दैट विल बी ऑल फॉर द डे, आई विल सी यू फॉर प्रीमिक्स इन सम टाइम। ओके दोस्तों, बाय बाय।